Hey guys, welcome all of you on my channel Computer Code. So today our topic is last video we see how to we create like this cards dynamically, and we make our this using stack card. And today I make this dynamic like this via using a model class. तो इसके बाद अब आगे हम आज की डेट में हम देखेंगे कि हम ये किस तरह का एक कॉमन विजेट बनाएंगे जो हम रैंडमली हम कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और हमारे कोड की जानिब चलता हूँ। तो ये हमारा प्रीवियस कोड है, तो इसके अंदर मैं हमारा जो एमुलेटर है मैं वो ऑन ऑन कर लेता हूँ ताकि वो हमारे पास विजिबल हो। और मैं इसकी मेन स्क्रीन की जानिब आता हूँ, तो प्रीवियस कोड को मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन एक दफ़ा कर देता हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने पिछले लेक्चर में किया क्या था। तो मैं ये लिस्ट स्टाइल क्लोज कर देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक स्टैक लिया था, एक साइज बॉक्स था, उसको ये साइज दिया हुआ है 170 उसकी हाइट है। और ये इसके अंदर मैंने एक स्टैक लिया था और स्टैक को मैंने एक अंदर कार्ड लिया था, कार्ड के अंदर एक कॉलम है और कॉलम के अंदर जो है ये कुछ ना कुछ हमने टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। और टेक्स्ट वगैरह लिखने के बाद उसके अंदर एक पोजीशन के साथ मैंने एक इमेज को जो है वो सेट कर दिया था। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस पूरे साइज्ड बॉक्स को करता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद इसको मैं रीफैक्टर में आऊँगा, रीफैक्टर में आ जाऊँगा, एक्सट्रैक्ट फ्लटर विजेट, इसको एक्सट्रैक्ट फ्लटर विजेट करूँगा, इसको मैं नाम देता हूँ स्टैक कार्ड। स्टैक कार्ड और इसको मैं रीफैक्टर कर दूंगा तो वो मेरा यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा स्टैक कार्ड, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट फ्लटर मटेरियल करूँगा और यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा। यहाँ पे वो वाला कोड जो है मैं कट करके पेस्ट कर दूंगा, जो भी हमारे एरर्स होंगे उनको साथ में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई एरर्स नहीं हमें वसूल हुआ क्योंकि अभी हम इसको सिंपली यहाँ पे हमें एरर मिल गया क्योंकि यहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे मैं इसको इस तरह यूज़ करूँगा। लेकिन ये कार्ड डायनेमिकली क्योंकि बन रहा है तो इसके लिए सबसे पहले इसके अंदर कार्ड के अंदर हमारे पास दो चीज़ें यूज़ हो रही है, तीन चीज़ें यूज़ हो रही है। एक इमेज यूज़ हो रही है, दूसरा उसका कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है और एक सब टाइटल में कुछ टेक्स्ट या कोई भी हम विजिट यूज़ करेंगे या उसकी कुछ वैल्यू जानी चाहिए तो वो लिखी हुई आ रही है। तो उसके लिए मैं एक मॉडल क्लास बनाऊंगा। यहाँ पे मॉडल क्लास के अंदर मैं एक न्यू मॉडल क्लास बना लेता हूँ स्टैक कार्ड मॉडल, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ क्लास स्टैक कार्ड मॉडल। सिंपली यहाँ पे मैं एक मेरे पास फाइनल स्ट्रिंग होगा और स्ट्रिंग के अंदर उसका टाइटल में उसका नाम मैं रख देता हूँ टाइटल, और एक फाइनल होगा मेरे पास सब टाइटल, और एक मेरे पास फाइनल स्ट्रिंग img url होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका आगे कंस्ट्रक्टर जो है वह मैं वो सेट कर देता हूँ जो नेम्ड कंस्ट्रक्टर होगा, इसके अंदर सेमी कॉलन लगा देते हैं। दिस डॉट करूँगा मैं, मेरे पास आ जाएगा दिस डॉट इमेज url, दिस डॉट टाइटल, दिस डॉट सब टाइटल, ठीक है। तो यहाँ भी एरर दे रहा है, इसको मैं कुछ इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दूंगा, सबको मैं डिफ़ॉल्ट abc असाइन कर रहा हूँ। ये डिफ़ॉल्ट इसकी कुछ वैल्यूज है। तो अब मैं यहाँ पे मेन के अंदर आके एक और लिस्ट बना लूँगा, और लिस्ट के अंदर सबसे पहले मुझे कुछ इमेजेस चाहिए होंगी तो मैं जल्दी से कोई 5-7 इमेजेस जो है मैं वो इंपोर्ट कर लेता हूँ और देन उसके बाद आगे देखते हैं अब हमने उसको किस तरह काम करना है। जी गाइस, ये मैंने कुछ इमेजेस जो है वो मैंने इंपोर्ट कर ली है, तो जिनमें एक ये है लव बर्ड से लाइक समथिंग etc। तो इसको मैं सिंपली ये इमेजेस को मैं एक दफ़ा क्लोज करता हूँ
तो मैं हमारे मेन की तरफ आता हूँ, मेन कार्ड, ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। अब मैं मेन स्क्रीन पे आता हूँ, मेन स्क्रीन में मैं एक और किस उसी तरह के सेम एडिट में क्या बनाऊँगा, एक लिस्ट बनाऊँगा जिसमें वार होगा लिस्ट स्टैक कार्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा कि वो लिस्ट किस तरह की होगी, स्टैक कार्ड मॉडल, और यहाँ पे मैं ये लिस्ट जो है टोटली मैं डिफाइन कर दूंगा, तो स्टैक कार्ड मॉडल, और इसके अंदर कुछ एक इमेज यूआरएल जाएगा, इमेज यूआरएल के अंदर मैं यहाँ पे पहले ये लव बर्ड है मैं इसका कॉपी रेफरेंस कर लेता हूँ, वो पेस्ट कर दूंगा, टाइटल में इसको दे देता हूँ लव बर्ड्स एंड सब टाइटल में इसको दे देता हूँ ब्यूटीफुल लुक। ओके, तो सेम एडिट में इसको कॉपी कर लूँगा, तीन से चार सेम एडिट लव बर्ड्स हो जाएगा, यहाँ पे ये पेट का एक है मैं इसको कॉपी कर लूँगा मेन स्क्रीन के अंदर, और यहाँ पे मैं इसका ये पाथ इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लव बर्ड्स की बजाय डॉग कर दूंगा, और ब्यूटीफुल लुक लुक की ये टाइटल सब टाइटल्स मैं सेम ही रख रहा हूँ, जस्ट इमेजेस को चेंज कर रहा हूँ, एक ये हमारे पास प्रीवियसली हमने यूज़ किया था, इस दफ़ा हम इसको दोबारा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ये सेट कर दूंगा, और सेट करने के बाद यहाँ पे ये इस तरह हो जाएगा, और यहाँ पे लव बर्ड्स की बजाय मैं कैट लवर कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कोई एक और इमेज ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको ये सेट कर दूंगा, और ये सेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कुछ और वैल्यू दे दूंगा, पेट, और यहाँ पे मैं इसको सेम एडिट ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट बन जाएगी। अब इसको क्या करना है, इसको हमने रैप करना है लिस्ट व्यू के अंदर, इसका एक सिंपल सा तरीका है, इसको यहाँ पे इसी तरह सॉरी यहाँ पे मैं इसको ड्रैप करता हूँ कॉलम के अंदर, और कॉलम बाद में रिमूव करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिस्ट व्यू बिल्डर। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये हम जो लिस्ट है वो डायनेमिकली जो है वो जनरेट कर रहे हैं, इसको एक रिक्वायर होता है आइटम बिल्डर, वो हमारा ऐड हो गए, और यहाँ पे मैं इसके अंदर रिटर्न में कर दूंगा स्टैक जस्ट अ सेकेंड, मुझे ज़रा नाम देख लेने दीजिए, स्टैक कार्ड, तो ये नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ जो मेन के अंदर यूज करेंगे, रिटर्न स्टैक कार्ड, ये मैं इसको मैं रिफैक्टर कर रहा हूँ क्योंकि इसका यहाँ पे ये स्मॉल है, तो इसको मैं बल्कि रिफैक्टर यहाँ पे मैं एस इस तरह कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड एस, और यहाँ पे मैं स्टैक का एस कैपिटल कर देता हूँ, सिंपल। तो और मैंने कुछ चेंजेस नहीं की, यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ स्टैक कार्ड, इसको एक की चाहिए होगी, और इसको मैं देता हूँ यूनिक की, क्योंकि डायनेमिकली जनरेट हो रहा है हर एक के लिए, इसकी की जो है एक यूनिकली आइडेंटिफाई होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको आइटम काउंट दे देता हूँ, और आइटम काउंट इसके अंदर मैं दे देता हूँ 5 दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी स्क्रोल श्रिंक रैप ट्रू कर दूंगा, स्क्रोल डायरेक्शन एक्सिस डॉट हॉरिजेंटल इसको कर दूंगा, तो ये हॉरिजेंटली जो है स्क्रोल होगी, तो इसको अब मैं क्या करता हूँ एग्जीक्यूट करता हूँ, और देखते हैं आप ये हमारे तरफ किस तरह विजिबल होता है। जी गाइस, तो ये हमारा स्टार्ट हो चुके,
तो ओके, हमें कुछ एरर्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तो इसको मैं रैप कर दूंगा सिंपली एक साइज्ड बॉक्स के अंदर, और साइज बॉक्स इसकी मैं हाइट दे दूंगा 200। तो अब हम देखते हैं कि अब हमें एरर देखने को मिलता है या नहीं मिलता। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हवाना डॉग्स और ये डायनेमिकली ये जनरेट हो गए। ठीक है, तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं इसको साइज इसका भी 170 ही कर देता हूँ ताकि इसका साइज हमारे लिए मीनिंगफुल रहे। ठीक है, साइज इसका सेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ये और इसके अंदर अब मैं चीज़ें सेट करता हूँ इसके कंस्ट्रक्टर में, कि हम चीज़ें वैल्यूज हम किस तरह पास करते हैं हम ये देखेंगे। यहाँ पे ये हवाना डॉग्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले वेरिएबल्स जो है मैं वो डिक्लेयर करता हूँ। स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग सब टाइटल, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग आ जाएगा इमेज यूआरएल। तो डिफॉल्ट में इनको यहाँ पे मैं सिंपली दिस डॉट टाइटल एबीसी सेट कर रहा हूँ, दिस डॉट जस्ट अ सेकेंड देयर इज इशू, दिस डॉट इमेज यूआरएल वो भी यहाँ पे मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग की दे रहा हूँ, दिस डॉट सब टाइटल और वो भी मैं एबीसी दे रहा हूँ। ओके, तो सॉरी यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आएगा, और यहाँ पे ये मुझे कुछ इशू दे रहा है, और इनको मैं कर दूंगा फाइनल फाइनल फाइनल। तो ये मेरा कॉन्स का भी इशू चला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट में यहाँ पे हवाना डॉग्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं हवाना डॉग्स की बजाय टाइटल सेट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ इश्यूज दे रहा है। अ वैल्यू ऑफ नल कांट बी असाइन टू द स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। ओके, ये कॉन्स्ट को मैं एक दफा रिमूव कर देता हूँ ताकि स्ट्रिंग अ नल कांट बी असाइन टू द पेरीमीटर टाइप ऑफ स्ट्रिंग कॉन्स्ट। ओके ठीक है, तो ये क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट किया हुआ है, तो इसको हम कांस्ट इसका रिमूव कर देंगे तो हमारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको कांस्ट कर देता हूँ और इसको भी मैं पैडिंग को नहीं कांस्ट करूँगा, मैं इसको कांस्ट करूँगा। इसको कांस्ट क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने वैल्यू देनी है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा सब टाइटल। मेरी ये वाली पोजीशन सारी रिजॉल्व होगी। अब नीचे आ जाते हैं इमेज वाली के में, इसका मैं बॉक्स डेकोरेशन का कॉस्ट रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इमेज जो है वो डायनेमिकली देनी है, तो यहाँ पे मैं इमेज यूआरएल पास कर दूंगा। इमेज यूआरएल पास करने के बाद मैं मेन के अंदर आता हूँ, और मेन के अंदर मुझे यहाँ पे ये और बाकी की चीज़ें जो है आर्गूमेंट पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे आर्गूमेंट और स्टैक लिस्ट स्टैक कार्ट, और यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट, यहाँ पे मैं इमेज यूआरएल पास कर दूंगा। टाइटल सेम एज इट वही चीज है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे इमेज यूआरएल की बजाय टाइटल पास कर दूंगा, और एक सब टाइटल है तो वही चीज मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे सब टाइटल सेट कर दूंगा। इसको मैं कंट्रोल आल्ट एल करता हूँ तो वो मेरा सारा डायनामिकली सेट कर देगा, और इसको मैं अब दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये हमारे तरफ किस तरह विजिबल होता है। इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स। जी, तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा लव बर्ड्स आ गया, फिर डॉग आ गया है, इसी तरह कुछ। ओके, इनवैलिड रेंज फ्रॉम 0 to 3। ओके, हमने यहाँ पे रेंज अपनी मर्जी से दी हुई है, लेकिन हम यहाँ पे अब स्टैक लिस्ट स्टैक कार्ड डॉट डॉट लेंथ करेंगे, तो अब भी हमारा एरर भी चला जाएगा।
सेम एडिट आप इसी तरह उस इमेज के अंदर तो कार्ड डिफरेंट कार्ड और बैकग्राउंड पे डिफरेंट कलर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। सेम एडिट आप इसके डिफरेंट कलर भी, जिस तरह मैंने ये एक इमेजेस पास की है, टेक्स्ट पास की है, सेम एडिट आप यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हैं। हर कार्ड पे जो है वो उसकी कलर की प्रॉपर्टी जो है वो डायनेमिकली चेंज होती रही, तो वो भी चेंज आपकी हो जाएगी, वो ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, तो बेसिकली मकसद तो ये आप लोगों को समझाना। तो इसके बाद के आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है हमारे डायनामिकली बार बार यूज़ होनी है, तो इस चीज़ को मैं जो यूज़ करते हुए मैं इसको सिंपली मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, और यहाँ पे एक लिब के अंदर एक कॉमन विजिट्स है, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ। सबसे पहले मैं एक पैकेज बना लेता हूँ, डायरेक्टरी बना लेता हूँ, और उसका नाम रखता हूँ कस्टम, या मैं रख देता हूँ डॉग डिस्प्ले। और यहाँ पे मैं इसको सिंपली एक डॉट फाइल बनाऊंगा, डॉग्स कार्ड, और यहाँ पे मैं सिंपली इंपोर्ट, ये मैं बाद में करूँगा क्योंकि पहले मेन के अंदर उसका एक विजेट बना लिया जाए। विजेट बनाने के बाद फिर आगे मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगा। ये मेन है, और मेन में ये हमारा साइज बॉक्स है जिसके अंदर हमने लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैं एक और जो है वो मैं लिस्ट व्यू बिल्डर ले लूँगा, या सिंपली बोल लें कि मैं एक लिस्ट व्यू ले लेता हूँ, जिसमें मेरे तीन से मैंने चार जो है वो आइटम्स शो करवानी है। इससे ज़्यादा मैं आइटम्स नहीं शो करवाऊँगा, बाकी की चीज़ें जो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे शो करवाऊँगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपल पहले सबसे पहले एक लिस्ट व्यू ले लेता हूँ, होपफुली ये मुझे इशू ना दे। और इसके अंदर मैं श्रिंक रैप ट्रू कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वर्टिकल होती है, तो मुझे सेट करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ कार्ड, ले लेता हूँ कार्ड के अंदर जो है वो यहाँ पे मैं एक कार्ड ले लेता हूँ, कार्ड के अंदर कुछ टाइटल होगा और सब टाइटल होगा। तो सबसे पहले कार्ड है, कार्ड के अंदर कार्ड एक चाइल्ड विजिट एक्सेप्ट करता है, और चाइल्ड के अंदर मैं एक लिस्ट स्टाइल जो है मैं वो पास कर दूंगा। लिस्ट स्टाइल, और लिस्ट स्टाइल की लीडिंग के अंदर मैं एक पास कर दूंगा। सबसे पहले मैं बल्कि लिस्ट व्यू को भी रिमूव करता हूँ, जिस मुझे एक दफ़ा कार्ड चाहिए ताकि इसको एक दफ़ा ये विजिट बन जाए, फिर उसको हम डायनामिकली अपनी मर्जी से भी शो करवा लेंगे। लीडिंग लीडिंग के अंदर जो है इमेज, लीडिंग के अंदर मैं एक लेता हूँ कंटेनर, ताकि इमेज के कॉर्नर हमने राउंड करने हैं तो वो हम अपनी नीड के मुताबिक कर लें। कंटेनर कंटेनर के अंदर मैं लेता हूँ डेकोरेशन, और डेकोरेशन के अंदर आ जाएगा बॉक्स डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आ जाएगा इमेज और डेकोरेशन, इमेज और इसके अंदर क्या आ जाएगी, इमेज एसेट्स इमेज, और यहाँ पे उसका लाइक समथिंग कुछ पाथ होगा, और पाथ होने के बाद इसके अंदर जो है बॉक्स कंस्ट्रेंट, जस्ट अ सेकंड, कंस्ट्रेंट्स बॉक्स कंस्ट्रेंट डॉट बॉक्स कंस्ट्रेंट डॉट एक्सपेंडेड, और यहाँ पे मैं इसकी विड्थ दे दूंगा
Infinite. Infinity. एंड मैं इसकी कुछ विड्थ दे दूंगा, विड्थ होगी हाइट डबल डॉट इन्फिनिटी, तो वो जितने इसकी हाइट विड्थ होगी वो उतना ऑटोमेटिकली वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। ओके तो इसको मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ। कॉन्स्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे एक इमेज चाहिए, इमेज मैं जल्दी से इंपोर्ट कर लेता जी। तो इमेज मैंने डाउनलोड कर ली, वो यहाँ पे मैं पेस्ट करके डी एस डॉग लिख देता हूँ ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये हमारा एक मैंने इमेज कॉपी की, इसका मैं पाथ कॉपी करता हूँ और मेन स्क्रीन के अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। और इसको मैं एक दफ़ा कॉन्स्ट सेट कर देता हूँ, देखते हैं कि ये हमारे पास अब किस तरह विजिबल होता है। मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ, हॉट रीलोड करने के बाद देखते हैं कि ये हमारे पास अब किस तरह विजिबल होगा। तो यहाँ पे मुझे ये हाइट विड्थ कंस्ट्रेंट्स वगैरह ना भी दूँ तो आई थिंक होपफुली मेरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, कार्ड है, चाइल्ड है, लिस्ट स्टाइल कंटेनर के अंदर इमेज इमेज ये आई थिंक इशू कर रही है। और यहाँ पे मैं इसकी दे देता हूँ हाइट 60 विड्थ 60, देखते हैं अब क्या इशू होता है। सिंपली मैं यहाँ पे एक दफ़ा कार्ड को भी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि इशू कहाँ पे आ रहा है। ओके तो ये वाला भी मैं इसकी हाइट विड्थ रिमूव करके देखता हूँ कि ये अब किस तरह विजिबल होगा। कार्ड की वजह से आई थिंक इशू आ रहा था। ओके ये यहाँ पे सेट हो गया लेकिन हमें कुछ एरर्स दे रहा है, डिस्ट्रॉयल विड्थ वगैरह। ठीक है ओके, कंस्ट्रेंट बॉक्स डॉट बॉक्स कंस्ट्रेंट डॉट एक्सपेंडेड, और विड्थ मैं इसकी दे देता हूँ मीडिया के लिए डॉट ऑफ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ, और हाइट यही चीज़ मैं सेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं दे दूंगा हाइट। अब देखते हैं कि अब हमारा इशू रिजॉल्व होता है या नहीं। लीडिंग साइज विड्थ के ये हमें कुछ लीडिंग साइज का इशू दे रहा है तो इसको भी हम देखते हैं, अभी टैकल करते हैं। और यहाँ पे मैं टाइल कलर नहीं टाइटल दूंगा और टाइटल में इसको भी टेक्स्ट दे रहा हूँ ABC। अब देखते हैं कि अब ये हमारे पास किस तरह विजिबल होते हैं। ओके ये हमें इश्यूज दे रहा है, तो जहाँ पे ये कंटेनर ना काम कर रहा हो जिसका सिंपल सा एक सलूशन है सर्कल अवतार, सर्कल अवतार के अंदर हमारे पास चाइल्ड आ जाता है और चाइल्ड के अंदर हमारे पास आ जाएगा इमेज डॉट एसेट्स। और यहाँ पे मैं वो वाला इमेज का पाथ सेट कर दूंगा और यहाँ पे सिंपली मैं रेडियस में 20, हाँ रेडियस इसका मैं 20 दे दूंगा। और यहाँ पे कॉलम, अब देखते हैं कि अब ये हमारे पास किस तरह विजिबल होता है जी। तो आप देख रहे हैं हमारे पास विजिबल है लेकिन ये इमेज बहुत ज़्यादा छोटी है। सर्कल अवतार की बजाय मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रिमूव, और एक और विजिट है मैं करता हूँ क्लिप रिएक्ट, ये भी एक विजिट है, ये इमेज इसको साथ में राउंड भी करता है।
ये बॉर्डर रेडियस, और ये बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल, और यहाँ पे मैं इसका दे देता हूँ 10, नहीं करेगा। डॉ सर्कल यहाँ पे मैं दे देता हूँ 20। ओके, तो मुझे एरर दे रहा है, वेयर इज द इशू। ओके, तो यहाँ पे मैं 20 पास कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि अब हमारा इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं। तो ये देख सकते हैं ये हमारा इशू रिजॉल्व हो गया। यहाँ पे कुछ ये एक डॉग आ गए, 20 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैं सिर्फ 10 का देता हूँ ताकि हमारी इमेज भी खूबसूरत लगे और ये सारा कुछ इसके अंदर हो। जी, इमेज भी आ गया, टाइटल आ गया, और टाइटल की अब हम स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइल गूगल फॉन्ट्स डॉट, यहाँ पे मैं देता हूँ लेटो, कलर इसको देता हूँ कलर स्टॉट ब्लैक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा। ओके, तो अब कलर कलर इसका मैंने ब्लैक दे दिया, और यहाँ पे फॉन्ट साइज मैं इसको दे देता हूँ 25। तो अब हम देखते हैं कि अब ये हमारा किस तरह विजिबल होता है। तो ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हमें। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हवाना डॉग्स ही लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और इसका कुछ एक सब टाइटल है, सब टाइटल के अंदर मैं फिर से टेक्स्ट लिख देता हूँ जिसमें गुड लुकिंग लिख दूंगा सिंपल। इसको मैं हॉट रीलोड करता हूँ। तो ये हमारा टाइटल, ये सब टाइटल, ये टाइटल थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको 20 में दे देंगे ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। टाइटल सब टाइटल, और इसके बाद हमारे पास इसकी कुछ प्राइस है, तो मैं इसकी वो प्राइस सेट कर दूंगा। ट्रेलिंग, और ट्रेलिंग के अंदर टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा $250। अब देखते हैं अब ये हमारा किस तरह विजिबल होगा। तो ये देख लें, वैसे डॉलर साइन लगाएंगे तो हमारा वो एरर्स देगा, लेकिन ये बैक स्लैश डॉलर साइन लगाएंगे जिसका मतलब वो इसको एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा, तो वो हमारे जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले में आ जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इस चीज़ को अब हम डायनेमिकली किस तरह बनाएंगे, और बॉटम नेविगेशन बार देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और जिन जिन बंदों ने ऐसा चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि अगर कोई चीज़ इम्प्रूव होने वाली है वो, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।